हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन। और आज हम लोग 12th साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मेटल पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन, उसको हम पढ़ते हैं। लेट अस सपोज हम लोग एक हेलो एल्केन लें, उसके दो मोल हम लोगों को इस्तेमाल करने हैं, दैट इज आर ऑफ एक्स। और क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स है, तो हम दो ही मोल यहाँ पर सोडियम के यूज करेंगे। अगर हम दो मोल ये लें और दो ही मोल सोडियम के यूज करें, और खास बात ये है गाइस यहाँ पर कि ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर से सवाल पूछा जाता है। ये रिएक्शन परफॉर्म होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसमें होगा क्या, दो एन ए और दो एक्स माइनस ऑफ टू एन ए एक्स यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। और होगा क्या, यहाँ पर आर और आर ये जो दो बच गए, ट्वाइस ऑफ आर, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। लेट अस सपोज वी हैव CH3Cl, हमारे पास क्लोरोमीथेन है, उसके दो मोल हमने यूज किए और ट्वाइस ऑफ एन ए वी हैव यूज्ड, और इसका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो माइनस ऑफ टू NaCl बाहर निकल जाएगा और दो मिथाइल ग्रुप जो है आपस में जुड़ के एक इथाइल इथेन बना लेंगे। नाउ लुक एट इट, दिस इज CH3 CH3, दिस इज कॉल्ड इथेन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ऐसा एग्जांपल आप और भी ले सकते हो। लेट अस सपोज वी हैव यूज्ड ट्वाइस ऑफ C2H5Cl विद ट्वाइस ऑफ Na। नाउ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, दिस इज ड्राई ईथर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में पूछा जाता है किसकी प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल जाएगा और ये जो दो इथाइल ग्रुप है वो आपस में जुड़ जाएंगे, दैट इज C2H5 C2H5। नाउ लुक एट इट, ये क्या बन गया, टोटल चार कार्बन है, ब्यूटेन यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से गाइज ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, वर्ड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। मेटल की प्रेजेंस में, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हेलो एल्केन आपको यूज करना है मेटल की प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये होगा। और यहाँ पर जो दो मोल आपने लिए हैं, जो भी ग्रुप्स होंगे एल्काइल ग्रुप, वो आपस में जुड़ के एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, दिस इज क्लोरोमिथेन, या क्लोरोइथेन का एग्जाम्पल मैंने, क्लोरोमिथेन से यहाँ पर इथेन बन गया है और क्लोरोइथेन से यहाँ पर ब्यूटेन बन गया है। तो इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म होती है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल ऑन यूट्यूब, आई विल गिव यू मोर एंड मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।